Oh my god. Dun, 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 dun. अभी कोई और भी कनेक्ट हो रहा है या फिर हम लोग की देर पे रेडी या बात कर सकते हैं? हाँ क्योंकि कमाल के सेलिब्रिटी बन चुके हैं लीग 11 के और आज हम इनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा जो हमारे इस चैनल को फिलहाल देख रहे हैं। तो जी हाँ बने रहिएगा, फिलहाल हम आज राज्य से बहुत सारी बातें करने वाले कि इन्होंने अभी तक कितने सारे पैसे कमाए हैं और किस तरीके से इनकी लाइफ चेंज हो गई है। बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत सारा गपशप होने वाला है। पर जी हाँ एक छोटा सा काम करना है यार, एक छोटा सा काम करना है कि आपको सिर्फ हमारे साथ बने रहना है और इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पता चल जाए कि वाकई में लीग 11 का पावर कैसा है और कैसे ये आपकी लाइफ को कन्वर्ट कर सकता है। तो जी हाँ फिलहाल हम बात करने वाले, राज्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राज्य आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर बिल्कुल। राजी सबसे पहले आप बताएं आपके हालचाल कैसे हैं, कैसा लग रहा है? जी बस सर बढ़िया ही लग रहा है, मस्त बढ़िया चल रही है लाइफ, बढ़िया चल रही है। ओके सो हम कुछ क्वेश्चंस की ओर जाने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस की ओर जाने से पहले हमने आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कैसे हैं, आपका पूरा परिवार कैसा है फिलहाल? सर सब ठीक है, आपके इधर कैसे? आप इधर माहौल बिल्कुल क्लियर है, कोई केसेस वगैरह कुछ भी नहीं है, सब क्लियर है टोटल। वेरी नाइस वेरी नाइस। हाँ जहाँ वही नहीं होना चाहिए बस साइज में ये बस वही हाँ ये नहीं होना चाहिए। Absolutely right. तो अभी आप फिलहाल बहुत टाइम से लीग 11 से जुड़े हुए होंगे शायद, तो आपके परिवार को फिलहाल कैसा लगता है कि आज राज मेरा बेटा इतना पैसे कमा रहा है, अपनी लाइफ को चेंज कर रहा है, कैसा लग रहा है आपके फैमिली को? सर उनको तो प्राउडली फील होता है, वो तो चाहते हैं ना कि अपने कुछ करे, कुछ अपने दम पे करे। ऐसे भी मैंने बहुत कुछ कर चुका हूँ मैं 2-3 महीने में पिछले। जैसे क्या कर चुके हैं? जैसे कि सर मैंने तो 70 प्रो मोबाइल लिया वन प्लस का 43,000 का। वाओ ग्रेट, कांग्रेचुलेशन। उसके बाद मैंने उसके बाद मैंने खुद ने प्लाट ले लिया है 1300 square feet का। ग्रेट। और या उसके बाद फिर उसके बाद गाड़ी ले चुका हूँ मैं 7,50,000 की होंडे वेन्यू। ऐसे क्या बात है, वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन। और थैंक यू सर। और भी सर बात सेविंग वगैरह हो चुकी है, और भी कुछ गोल्ड वगैरह भी लिया है, जो घर की जरूरत भी पूरी करी है, कुछ थोड़ा छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट किया है। ओके मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं कि आपकी एज कितनी है? आपकी एज के अकॉर्डिंग हम आज बात करने वाले हैं, आपकी एज बताइए। 22 22 22। ओके ओनली 22, क्या बात है क्या बात है। 22 साल की उम्र आपकी भी है और 22 साल की उम्र मेरी भी है और आज आप इंदौर में रहते हैं राइट? इंदौर मध्य प्रदेश में रहने वाले राज आज 22 साल के हैं और कहते हैं कि घर की जो जरूरतें होती है जैसे कि रोटी कपड़ा मकान हो गया, गोल्ड हो गया, गाड़ी हो गई, फोन हो गया, सब कुछ आज लीग 11 में रहते 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 अचीव कर रहे हैं। ये होती है बात, ये बात होती है काम करने की, ये बात होती है जज्बात की। दैट्स ग्रेट, कांग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल राज। तो हम आज कुछ बातचीत आपसे करने वाले हैं और सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि राज हमारे बीच में बिल्कुल जुड़ चुके हैं और ये आज आपको हर एक चीज के बारे में बताने वाले हैं कि अभी तक का जो लीग 11 का जो इनका सफर रहा है वो कैसा रहा है, कैसे इन्होंने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से चेंज किया है। और राज जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हम दोनों की जो बातें हैं शायद बहुत सारे लोग सुनने वाले हैं, ठीक है? तो आपको उनको ये बताना है कि वाकई में लीग 11 से आप जुड़ करके कैसे पैसे कमा सकते हो और कैसे अपनी लाइफ को अपग्रेड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ऑलराइट राज? जी सर बिल्कुल। ओके तो सर एक छोटा सा क्वेश्चन है सबसे पहले, सर सबसे बड़ा इन्वेस्टर हूँ आज की तारीख, मार्निंग में मेरी सबसे ज्यादा है, इन्वेस्टर भी सबसे बड़ा मैं ही हूँ। ओके ग्रेट। मेरी टीम के बाद मेरी टीम भी चल रही है उसमें तो या ओके बढ़िया बढ़िया ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, जिन क्वेश्चंस के आंसर बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं यूजर्स हैं वो जानना चाहते हैं, वही क्वेश्चंस हम आज आपसे पूछने वाले हैं। ठीक है राजी आप बिल्कुल तैयार हो जाइए सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। राइट ग्रेट। सो सबसे पहले आपको फैंटेसी स्पोर्ट्स के बारे में पता कहाँ से चला? मैं टेलीग्राम चैनल से पता चला था।
टेलीग्राम से? टेलीग्राम, हाँ टेलीग्राम चैनल से। तो वहाँ आपको किसने बताया, मतलब टेलीग्राम पे किसी फ्रेंड ने भेजा था पे, या लाइक आप टेलीग्राम यूज़ करते हो? नहीं नहीं, एक वहाँ पे चैनल है फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन के नाम से, तो ओके उन्होंने लिंक करते बोले जीरो कमीशन। हाँ बोल, जीरो कमीशन आए थे, फिर सर कहते हुए मैं तो खेलता, तो फिर सोचा जीरो कमीशन आए थे तो यहाँ पे ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट करने को, यहाँ खेल रहे हैं तो अपने लीग इलेवन पे खेल सकते हैं, तो उस हिसाब से मैंने फिर लीग इलेवन इंस्टॉल किया था उस टाइम। आज से एक साल पहले, बराबर एक साल हो गया मेरे को लीग इलेवन पे कनेक्ट हुए। ओके तो आज मतलब हम कह सकते हैं कि आपकी एनिवर्सरी या जन्मदिन हम मना सकते हैं आज के दिन? हाँ आज के दिन मना सकते हो, सितंबर में स्टार्ट किया था मैंने। सितंबर में स्टार्ट किया था, वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। मतलब एक साल हो चुका है आपको, बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको, एक साल हो चुका है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और सबसे खास बात इसके अंदर मेरी नजर में बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, लाइक फुटबॉल भी है, क्रिकेट भी है, वॉलीबॉल भी है, बास्केटबॉल भी है, रग्बी भी है। क्रिकेट मेरा फेवरेट क्रिकेट सर। सर क्रिकेट क्यों मेरा फेवरेट क्रिकेट? और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं सर, जिसकी नॉलेज है ना, नहीं उसकी नॉलेज नहीं ना सर मेरे को, इसलिए बिल्कुल जीरो नॉलेज है मेरे को अदर साइड पे। तो इसका मतलब ये क्रिकेट का खेला है मेरे को, क्रिकेट का बहुत खेला आपने, तो सर मुझे आप बताएंगे कि क्रिकेट में आपको सबसे अच्छे खिलाड़ी कौन से लगते हैं? विराट कोहली, नो डाउट। इसका रीजन सर? एग्रेशन, सबसे मेन चीज एग्रेशन, मतलब विराट के एग्रेशन। वही क्या बात है, मतलब जुनून, जब आप एग्रेसिव होते हो मेरे को बहुत मजा आता है। हाँ सर मेरे को वो मेरा मतलब मेरी लाइफ का मोटिवेशन, मतलब जो मैं जिसको मानता हूँ सब कुछ के लिए। क्या बात है, बहुत जिसको मैं मतलब क्रिकेट का मान बोलता हूँ सर। एक मोटिवेशन लाइफ में जरूर होना चाहिए हमेशा, मेरी नजर में सर। जिसकी वजह से मैं मोटिवेट होता हूँ तो उसको फिर दर्जा दूंगा इसे। ओके बढ़िया बढ़िया, बहुत सही सर, बहुत सही। ओके तो सबसे खास कर हमारी जो लीग 11 है उसमें सबसे कमाल की चीज आपको क्या लगती है? सबसे कमाल की सर चीज जो है ना वो है कमीशन। कमीशन? ओके कमीशन बहुत ही कम लगती है लीग 11। हाँ हाँ सबसे खास चीज जो जिस पे मतलब खेलने के लिए अट्रैक्ट करती है कि इसी पे खेलो, अदर साइड पे मत जाओ आप, जो कि सर सबसे बड़ी चीज है। अदर साइड पे सर लेती है आपको हेड टू हेड पे ट्रेनर पे सब पे, तो उस हिसाब से सर लीग इलेवन को मैं ज्यादा प्रिपेयर करूंगा अदर साइड से। ओके तो यही इसी के साथ एक मिलता जुलता क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी कमाल की चीज है लीग 11 में जो आप अपने फ्रेंड्स को या अपने फैमिली मेंबर्स को या जितने भी आपके नॉन्स उनको आप बताना चाहेंगे? सर सेम चीज बोल लूंगा मैं, क्योंकि इससे वो डिप्रेशन में जाता है, इनके उसकी मेरी वजह से हेल्प होती है, तो मैं उसको सजेस्ट कर सकता हूँ सर ये चीज। मैं लाइफ सेट नहीं मानता हूँ कि आप इससे लाइफ ही सेट करोगे आपकी, पर इनके उसके पास एक जरिया हो जाएगा कि आप यहाँ से कमा सकते हो पैसा। ओके तो मतलब यहाँ से आपकी जो जरूरत है वो आपकी जो जरूरत है वो आप यहाँ से पूरी कर सकते हो। आपको ये समझ, ये जरूरी नहीं कि आप जॉब करोगे तो ही आपकी लाइफ सेट है, आप यहाँ से पैसा करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आपकी जरूरत है वो पूरी कर सकते हो, टोटली डिपेंड। हाँ मतलब कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप लीग 11 को पार्ट टाइम भी करते हैं या फुल टाइम भी करते हैं या फिर एज ए जॉब भी करते हैं, एज ए बिजनेस भी करते हैं, तो आप इसमें अपना सारा सब कुछ लाइफ में जो आप अचीव करना चाहते हैं वो सारा कुछ यहाँ से अचीव कर सकते हैं और अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। यही एक अच्छी खास बात है और सबसे कमाल के अर्नर हो आप इस लीग 11 के, इसलिए आपको बहुत बहुत बताई। तो मैं सर आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि लीग 11 में आपको कितना वक्त हो गया, कब से आप इस एप्लीकेशन को लीग 11 को आप यूज कर रहे हैं? ये मैं 1 ईयर में कंप्लीट हो गया, एक साल पूरा हो गया मेरे को। एक साल आपको पूरा हो चुका है और अभी तक आपका जो सफर रहा है वो सफर कैसा रहा है? सफर सर उतार चढ़ाव। स्टार्टिंग में मेरे को लगा था कि
टाइम पास है, टाइम पास है, टाइम पास है। पर सर जब ये लॉकडाउन आया ना, फिर थोड़ा सा मैंने टाइम दिया ये वाली फील्ड पे, तो सर लाइफ टोटली चेंज। ओके, तो कह सकते हैं कि नॉलेज तो पूरा ही, मतलब जहाँ कह सकते हैं कि जहाँ पे शायद लोगों की सारी जॉब चली गई थी, सारे बिजनेस ठप हो चुके थे, वहाँ पे आपने लीग इलेवन को प्रैक्टिस दिया और वहाँ से मेरा करियर सेट। हाँ सर, ये करियर सेट हो गया, मैं ये बोलूंगा तो बाकी उससे हाँ जो वगैरह गई, लेकिन लाइफ सेट हो गई। कि आपके काम घर पे रहते रहते करते हैं या फिर आपको बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता होगा? नहीं सर, घर बैठे बैठे कोई भी नहीं, बस थोड़ा सा अपना स्किल से वर्क करती है, इससे आपके पास छह नॉलेज स्किल से है, आपके पास छह टैलेंट, तो आप बिल्कुल घर बैठे, कोई मेहनत नहीं है सर। बस सिचुएशन ये है कि लक मैटर करता है, आपकी स्किल से डिपेंड करती है, और एक आपका कॉन्फिडेंस वर्क करता है सर। अगर आप सोचते हो कि आप एक ही एक मैच में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उस पर जीत रहे हो, सेकेंड में उससे डबल इन्वेस्ट करते हो, उस पर हारते हो, तो ये आपके माइंड पर असर करेगा सर। तो वो सब चीज सर लेके चलनी पड़ती है कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट करते हो, कैसे नहीं करते हो, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, सर सब कुछ मैटर करता है। ओके, वो डिपेंड करता है सर सामने वाले पे कि उसको उसको लालच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कि एक दिन में कितना कमाना है कितना नहीं कमाना, उसके ऊपर है सर। वो सोचता है कि एक दिन में अमीर बन जाऊंगा मैं, तो सर पॉसिबल नहीं है ना। ओके, तो आपको भी आज अमीर बनने में करीबन करीबन शायद एक साल लग चुका है, और एक साल से आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरे साल काम कर रहे हैं, तो जाके आज आप शायद बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच चुके हैं, और कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा अर्निंग करने वाले आप ही हैं, राइट? हाँ सर, मैं यूजर बन चुका हूँ लीग इलेवन का। चलिए, बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ मैं देख के कुछ कोई तो मोटिवेट होगा, मेरे को भी देख के बोलता है वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं सर। और सर सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने बताई है ना, आज का जो अभी तक की जो हमने सबसे खास बात की, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने कहा कि घर के बाहर जाके वो ट्रैवलिंग करके बहुत सारे पैसे लगा के आपको इसके अंदर आने की जरूरत नहीं है, आप ये सारा काम घर पर रहते 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 भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, सही है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो सर जैसे कि आपने कहा कि एक दिन में तो कोई अमीर नहीं बनता, तो सर आपके हिसाब से आप एक दिन में कितने मैच खेलते हो? मैं सर कवर ऑलमोस्ट सभी करता हूँ, ऑलमोस्ट टोटली मैच कवर करता हूँ मैं, बट अलग अलग रहता है। एक दिन में सर फिलहाल तो दो दो तीन से तीन मैच हो रहे शायद। ओके, एक दिन में तीन मैच अभी जस्ट फिलहाल, तो बाकी अब हाँ तो मैं तो तीन ही कवर करता हूँ। वाओ, मतलब एक दिन में आप तीन मैच करते हैं, और उसके हिसाब से जो अर्निंग है वो धीरे 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 करके हाई लेवल पे पहुंच रही है। हाँ, हाई लेवल पहुंच गई सर। ये सर, तो सर आप हो एक तरह से लीग इलेवन के सेलिब्रिटी हो, ठीक है सर, तो आप एक बार जितने भी लोग हैं, जितने भी यूजर्स हैं, एक बार आप उनको थोड़ा सा गाइड करें कि किस तरीके से आपको जो टीम है उसको सिलेक्ट करना है, किस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी रहती है, क्या एनालिसिस आप करते हो वहाँ पे, तब जाके आप इतने अच्छे लेवल पे पहुंच गए। वो सर अपने ऊपर डिपेंड है सर, अगर जो आपको लगता है कि यार कि मान लो तीन मैच है, तो आप उसमें से कोई सा एक सिलेक्ट कर सकते हो, आपको लगता है कि हाँ ये वाला मेरे को है कॉन्फिडेंस, मैं इसमें क्लीन स्वीप मार सकता हूँ, मतलब पूरा परफेक्ट एक तरफा विनिंग कर सकता हूँ, तो आप सर वो सिलेक्ट कर लो, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करो। आप अदर में आपको डाउट है तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करो, या फिर स्किप कर दो, उसको मत खेलो। अगर आपके पास बजट नहीं है, आपके पास बजट है और आपके पास या फिर बजट है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, तीनों मैच कवर कर सकते हो, बट इतने करो कि उससे आपके माइंड पे असर ना पड़े। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि इसमें तो यार ये हो गया वो हो गया कि पूरे चले गए इसमें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर। ये बात भी सही, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके कुल मिला के हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हाँ यस सर, हर चीज को टोटली सब को सर। और मेन सर दूसरी बात है, दूसरी बात है सामने वाला लालच तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जितना मिल रहा है ना जितना मिल ये नहीं सोचना चाहिए कि यार लालच बुरी बला है, ये नहीं करना चाहिए कि सर इसी पे लुटा दूं पूरी दुनिया और इसी में कमा लूं डबल, ये नहीं करना चाहिए। पेशेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए आपका,
पेशेंस पेशेंस सर, पेशेंस तो मतलब ये मान के चलिए आप, अगर आपके पास पेशेंस है तो आप फिर आपको कोई टक्कर नहीं दे सकता अभी, बहुत बड़ी चीज है पेशेंस, पेशेंस बहुत जरूरी है, ये भी सबसे सही कहा आपने। हाँ सर, पेशेंस होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट का प्लान होना चाहिए सर। जैसे कि आपने इन्वेस्टमेंट की बात की है, जैसे कि तीन मैच आप एक दिन में खेलते हैं, ठीक है सर, तो इन्वेस्टमेंट का आपका क्या प्लान रहता है, इन्वेस्टमेंट में एनालिसिस क्या रखते हैं आप? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली, क्योंकि बजट का इश्यू बहुत चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होना चाहिए सर? मेरा रहता है जो अपना जो फर्स्ट मैच है, जी सर आवाज आ रही है ना? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है। हाँ जो सर मेरा जो फर्स्ट मैच रहता है ना उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट हाई रहता है। उसके बाद अगर इनकेस उनमें में विनिंग होती है, टोटली विनिंग होती है, तो मेरा वही इन्वेस्टमेंट मेरा आधा हो जाता है अगले मैच में। उसमें विनिंग होती है तो उसका आधा थर्ड मैच में हो जाता है, मैं फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट कम करता जाता हूँ। अगर इनकेस में फर्स्ट में हारता हूँ टोटली, तो उसका मेरा डबल इन्वेस्टमेंट हो जाता है सेकंड मैच में, उससे डबल इन्वेस्टमेंट हो जाता है। इनकेस में पांच के फर्स्ट टाइम पांच कर रहा हूँ ना, तो सेकंड में 10 करूंगा, ये इन्वेस्टमेंट रहता है मेरा। ओके, तो प्रॉफिट की मतलब दिन इसके अंदर आपका प्लान स्टार्टिंग में आप एक काम करते हैं कि सबसे पहले पहले मैच में आप जो आपको इन्वेस्ट करना है वो आप डबल इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद अगर वो मैच जीतते हैं तो उसके बाद आधा, और उसके बाद थर्ड मैच में उसका भी आधा। अगर आप पहला मैच हारते तो हैं, पहला मैच हारने के बाद तो आप सेकंड के अंदर थोड़ा डबल करते हैं, उसके बाद और डबल करते हैं। हाँ, सर ये स्ट्रेटेजी आपकी बहुत अच्छी, पर इस स्ट्रेटेजी के पीछे एक रीजन बताएंगे, ये आपको कैसे पता चला कि आपको यही करना चाहिए, ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है? जैसे विनिंग स्टार्ट हुई था ना, तो उस टाइम सेविंग बिल्कुल भी नहीं हो रही थी सर। जब मेरी विनिंग स्टार्ट हुई थी ना, थोड़ी कम आ रही है, तो उसमें सर सेविंग बिल्कुल भी नहीं, जब सर मेरी विनिंग स्टार्ट हुई थी ना, हाँ जब मेरी सर विनिंग स्टार्ट हुई थी तब मेरे पास सेविंग बिल्कुल भी नहीं हो रही। तो फिर मैंने फाइनल लिमिट बनाई, मैंने फिर उसका कुछ सोचा कि ये में तो कुछ मतलब नहीं मिल रहा अपन को, तो फिर मैंने उसका पूरा बायोडाटा निकाला, फिर उस हिसाब से मैंने फिर लॉजिक लगाया, फिर उसके बाद से मैंने ये रूल्स बनाए मैंने मेरे। ओके, और यही रूल मेरी टीम फॉलो करती है। हाँ क्या बात है, मैं बहुत हाँ ये मेरी जो टीम बनी है वो भी टोटली। हाँ तो सर आपकी टीम में कितने मेंबर्स हैं? फिलहाल 22। क्या बात है। सो पहला मेंबर कब बना? मैंने कुछ लोगों को पहला मेंबर मैंने बना था सर नवंबर, सितंबर के दो महीने बाद नवंबर में, और वो जो मेरा भाई था मतलब। ओके हाँ वो मेरा भाई था। तो सर मेरे हिसाब से जो आपने टीम के लिए बताया है ना सर, शायद मैं भी बहुत कम लोग इसके बारे में जानते होंगे, तो एक बार टीम बनाने का क्या रीजन हो सकता है, एक बार वो भी थोड़ा सा बताएं सभी को। सर टीम तो सर मैंने सिर्फ फैमिली मेंबर ही ऐड करके रखे हैं। ओके, बाहर के को रीजन सर, बाहर के लोगों को ऐड नहीं करता हूं, बाहर उसका रीजन सर कुछ तो उनकी पर्सनल इश्यू है, मतलब क्योंकि अभी जॉब वगैरह कुछ हो नहीं रही, टेंशन अलग है, तो उस हिसाब से मैंने उनको ये चीज बताई थी। ओके, एटलीस्ट तो उनके टेंशन तो खत्म हो गई कि कुछ जॉब लगे नहीं लगे, यहाँ से अपन काम करके पैसा आना चाहिए। वो तो उनका एक वो तो सर आप जॉब करोगे तो आपको वहां से पैसा मिलेगा, आप यहाँ से कमाओगे तो पैसा पैसा ही है सर, असली नकली तो कोई पैसा ही नहीं। ओके, तो आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि कुल मिला के अगर आपको कभी भी कोई भी काम करना हो तो उस काम में अच्छे से लग जाइए, और लीग 11 में आप आओगे तो घर पर रहते हुए आप कोई सा भी लेवल अचीव कर सकते हो, सेलिब्रिटी बन सकते हो हमारे राज की तरह, राइट? ग्रेट, एब्सोल्युटली राइट। सो कुल मिला के जो आपके टीम मेंबर्स बने, क्या वो भी पैसे कमा रहे हैं? हाँ सर, अच्छा खासा काम हो गया। अच्छा खासा, दैट्स ग्रेट, क्या बात है, ये हुई ना बात। हाँ यस सर। तो सर अब मैं आपसे बहुत ही कमाल का क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि अभी तक आपने करीबन लीग 11 से कितने रुपए कमा लिए?
मैंने सर मोटा मोटा देखा जाए तो मैं टोटल विद इन 1 करोड़ है। 1 करोड़ और सेविंग की बात करी है तो 30, हाँ मेरी टोटल विदिंग। ओके और जो सेविंग की बात करी है, सेविंग में मेरा 32 हाँ मेरा सेविंग है कम से कम 32-40 लाख सेविंग का बता रहा हूँ, बाकी खर्चा लगी। दैट्स ग्रेट, क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बट ये सिर्फ पिछले 2 से 3 महीने की अर्निंग है बस। मतलब 1 करोड़ रुपए आप करीबन करीबन सिर्फ 2 से 3 महीने में कमाए आपने? 3 महीने में सर, हाँ पिछले 3 महीने। वाओ That's great, so amazing, यार क्या बात है। मतलब जितने लोग सुन रहे हैं उनको सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा कि यही लाइन में फिर से रिपीट करना चाहूंगा, सर ने अभी अभी कहा कि करीबन 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर सर ने कमाए हैं करीबन करीबन 1 करोड़ रुपए। जी हाँ, 1 करोड़ रुपए इन्होंने सिर्फ 2 से 3 महीनों में कमाए हैं। ग्रेट यार, क्या बात है। मैं सोच रहा हूँ कि अब तो मैं भी ज्वाइन करने वाला हूँ यार, मैं भी आ रहा हूँ बस, सर आपका नंबर मुझे दे दीजिए, मैं आने वाला हूँ बस लीग 11 में। क्या बात है, कांग्रेचुलेशन सर, बहुत बढ़िया। क्या बात है, सो ये कॉन्फिडेंस है आपका। और सर एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट, क्या लगता है मतलब लीग 11 में आपका अभी तक का सफर जैसा आपने बताया बहुत कमाल का रहा है, बहुत चीजें आपने अर्न की, अचीव की है, तो अभी कब तक आप रहने वाले हो और कितना अर्न करने वाले हो, क्या प्लानिंग की है आपने? लाइफ टाइम। और कितना टारगेट लिया कि मतलब आज आपने सिर्फ 2-3 महीनों में 1 करोड़ रुपए कमाए हैं, तो कितना कितने करोड़ सर, मेरा टारगेट है, मेरा सर टारगेट है दिन का कम से कम, दिन का बता रहा हूँ मैं, 15-20 के, 15 से 20 हजार दिन का, 15 से 20 हजार रुपए। क्या बात है, हाँ दिन बढ़िया। और अगर मैं बात करूं कि जैसे 2 से 3 महीनों में आपने 1 करोड़ रुपए कमाए, वैसे आपने कहा कि लाइफ टाइम आप लीग 11 करने वाले हैं, ठीक है सर, तो लीग 11 में रहते हुए अभी आपका फाइनल टारगेट क्या है कि आज मैंने 2-3 महीनों में 1 करोड़ रुपए कमा लिए तो मुझे इतने टाइम में इतने करोड़ कमाने हैं, ऐसा कुछ आपने टारगेट सेट किया है सर? टारगेट कि बड़ा आदमी बनना है, कमाना है। ओके और कुछ? जो कि सर सक्सेस में मेरे को लगता है कि हाँ हो जाएगा, हो जाएगा लीग 11 में रहते हुए हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। तो ये सबसे कमाल की बात मुझे लगी आपकी कि जितने भी आपके सपने अब पूरा सब कुछ लीग 11 पे आपने छोड़ दिया है और वो सारे सपने लीग 11 आपके पूरे करने वाला है, राइट? हाँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक और सबसे सबसे खास चीज सर कि हम आप बहुत एक साल से इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो, तो इसके अंदर कुछ और फीचर्स ऐसे होने चाहिए जिसमें आप शायद चाहते कि यार ये फीचर होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता, ऐसा कुछ है आपका प्लान? ये कि चीजें सर ऐसी था, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। हेलो, हाँ जी, एक ही चीजें सर ऐसी थी जो बस मेरे को जिससे थोड़ा सा मतलब रहता डाउट, वो है विड्रॉल का। पूरी हमारी जो टीम 11 लीग 11 की जो टीम है बिल्कुल इस पे फोकस करेगी कि जो विड्रॉल का जो है वो एकदम इजी हो जाए यूजर के लिए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना। क्योंकि सर एक चीज देखो सर, इनके साथ पे अकाउंट में वो नहीं बोल रहा हूँ कि कोई कहीं नहीं जा रहा, अपना पैसा उसी में देगा, कोई कहीं नहीं जा रहा। हाँ
बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और सर सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे कि आपने इतने सारे पैसे कमाए, तो आपने कभी अपने दोस्तों को बताया कि यार कि राकेश, रमेश, राहुल यार तुम भी आओ ना हमारे साथ, क्योंकि मैं भी बहुत पैसा कमा रहा हूँ, घर पे रहते हो तो तुम भी आ जाओ, तो आपने कभी इस एप्लीकेशन को रेफर किया अपने दोस्तों के साथ? रेफर नहीं किया सर, कभी रेफर नहीं किया। मैं बोलता ना, मैंने फैमिली मेंबर के साथ किया, नहीं फैमिली मेंबर। ओके, परिवार वालों को आगे बढ़ाना चाहते हो आप, सब समझ रहा हूँ मैं। प्रॉब्लम हो नहीं पर परिवार वालों के लिए, मेरे मैं क्या जैसे लीगल, तो उससे किसी ने मेरे से कांटेक्ट किया था, वो पता नहीं कुछ लॉस में था या फिर पता नहीं, तो मैंने उसकी हेल्प करी थी सर। ओके, मैंने मतलब वो बोल रहा था 40-50 हज़ार 1 लाख के समथिंग बोले मैं लॉस में हूँ, तो सर मैंने उसकी हेल्प करी थी। बाकी उसको मैं कम से कम 5 से 10 दिन में उसको प्रॉफिट में लेके आ गया था, मतलब एक उसका कवर भी करवा दिया इतना और प्रॉफिट में भी लेके आ गया था। लेकिन सर बाद में हरकत ये हुई कि उसने बना लिया एक अकाउंट। ओके, और वो आता है मेरे ग्रुप के मेंबर ग्रुप के मेंबर में अपोजिट में। ओके, अब उसको अपनी टीम कैसी है, टीम तो पता है उसको कैसी है सर, तो वो सिर्फ एक चेंजेस कर लेता या फिर कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट कर देता। तो सर वहां से उसने मेरा विश्वास ना दूसरों को लेके वो सर खत्म कर दिया वहां से। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं सर, आपने आपका पूरा कोशिश किया और ऑब्वियसली आपको शायद इस बात का गम तो जरूर होगा, बट हाँ मैं सत्ता कहना चाहूंगा कि शायद अगर हमने जहाँ पे एक बार कोशिश की वहाँ पे शायद हमें थोड़ा सा और कोशिश करना चाहिए, शायद किसी और की जिंदगी बदल जाए और वो आपको फरिश्ता मान ले। राइट सर, सही सर, मैं बोलता रहा हूँ, मेरे को मानते ना, मैं बोलता रहा हूँ, मेरी टीम मेरे को सब कुछ बोलती है सर, जब भी जरूरत लगती है अभी एनी टाइम 24 आवर मेरे लिए अवेलेबल है वो लोग। तो सर एक और बात, आज के एक साल पहले आपकी लाइफ और अब लीग 11 को ज्वाइन करने के बाद आपकी लाइफ में जो बदलाव आए हैं, वो बदलाव एक बार हम जानना चाहते हैं कि क्या क्या बदलाव आए आपकी लाइफ में। क्या बदलाव? आप एक साल पहले आपने लीग 11 ज्वाइन नहीं किया था, राइट? हाँ, नहीं किया था। उसके बाद और उसके पहले जो बदलाव आप में आए हैं, वो बदलाव जानना चाहते हैं सर। वो सोच लो कि धक्के खा रहे थे उस टाइम तो। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि सर लाइफ चल रही है। ओके, यस सर, आपकी आवाज थोड़ी रुक रुक के आ रही है, एक मिनट सर, मैं वो आपकी आवाज अब सुनवा। मेरी आवाज आपको आ रही है प्रॉपर? सर मैंने हैंडफ्री सर बहुत स्लो आ रही है। हाँ जी, राजी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सर, आपकी भी बहुत ही कम आ रही है, एक मिनट रुकिए आप। सॉरी सर, एकदम फर्स्ट क्लास। अरे सर एक मिनट सर। हाँ जी, आवाज आ रही है?
That's great. हाँ. तो सर यही क्वेश्चन मैं एक बार फिर से पूछना चाहता हूँ कि एक साल पहले जब आपने लीग 11 ज्वाइन नहीं किया था और लीग 11 ज्वाइन करने के बाद जो बदलाव आए वो बदलाव एक बार मैं संक्षिप्त रूप में आपसे जानना चाहता हूँ। सर बदलाव तो ये कि मतलब एक साल पहले तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अपन पता नहीं लाइफ में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि अदर साइड पे तो सर कुछ हो ही नहीं रहा था। फिर एक बार मैंने एक बार फिर मैंने सोचा कि चलो ये वाली साइड पे अपन देखते ट्राई करते हैं। फिर मैंने फिर लीग 11 स्टार्ट किया, फिर वहां से सर पीछे मुड़ के नहीं देखा फिर वहां से पीछे मुड़ के नहीं देखा सर। फिर एक चीज और, लीग 11 से पहले शायद आपकी लाइफ रुकी हुई थी बहुत, पूरी सर ठप हो गई थी पूरी। ओके हाँ सर, घरवालों से भी अपन नहीं बोल सकते कितने कब तक वो, चलो मानते हैं अपन घर वालों से लाइफ टाइम हेल्प करेंगे, लेकिन सर अपने भी तो कुछ जरूरत रहती है ना कि अपन भी घर वालों के लिए कुछ करें। ऑब्वियसली बिल्कुल सर, सही कहा आपने। हाँ बट सर आज पता नहीं, मैं तो पता को खुद को विश्वास नहीं होता सर कभी कभी तो कहाँ से कहाँ कहाँ से यही सर वही कहाँ से कहाँ निकल गए सर। सर अभी भरोसा हो रहा है ना मतलब हाँ सर मैं बस सर जो चेंज हुआ ना मैं बोलता रहा हूँ सर मैंने सर 5,000 से स्टार्ट किया था अभी आज से 3 महीने 2 महीने 2.5 महीने पहले 5,000 से स्टार्ट किया था वापस से। ओके हाँ सर, पहले अर्निंग थी लीग 11 1 करोड़ की जर्नी है मेरी सर। बहुत बढ़िया सर, कंग्रेचुलेशंस। मैं सिर्फ इतनी दुआ करूंगा सर और हमारी पूरी टीम सिर्फ इतनी दुआ करती है कि आपने सिर्फ 1 करोड़ कमाया 2-3 महीनों में और धीरे धीरे करके आपका 5 करोड़ 10 करोड़ का 15-20-50 करोड़ का चेक भी बने और आप ऐसे ही बिल्कुल ऊपरी पायदान पर बने रहे लीग 11 में और हमेशा लीग 11 को यूज करते रहे, यही कहना चाहेंगे फिलहाल तो हम। जी बिल्कुल सर। तो फाइनली मजा आ रहा नहीं आ रहा ये बताइए आप लीग 11 में? नहीं सर मजा तो व्यर्थ सर बहुत ज्यादा आ रहा मैं तो सोचता हूँ कभी कभी तो मैचेस कम पड़ जाते कभी कभी मैच कम पड़ जाते वही उस टाइम पे ना घर, हाँ वही अब सर घर पे बोरिंग क्या करो अब घर पे भी। ओके बढ़िया, तो कुल मिला के आप फाइनली ये करके आप कौन सा भी मन लगा रहता है। हाँ सर बोलो। तो ये कहना चाहता हूँ मैं कि सर आपके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम है और आने वाली जो इनकम है वो बहुत ज्यादा है, राइट? बहुत ज्यादा है। बस एक सबसे खास बात कि एक दिन में कोई अमीर नहीं बनता, उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और थोड़ा सा आगे तक चलना पड़ेगा और हर एक चीज को स्किल्स के साथ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी कर दिया, हर एक चीज की स्ट्रेटेजी होती है, हर एक चीज का स्किल्स होता है करने का। सर सामने वाले का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा ना, इनकेस मान लो वो एक में जीतता है दूसरे में पूरा पैसा लगा के पूरा हार जाता है तो वो उसके माइंड पर असर पड़ेगा ना इसका सर, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है पूरा डाउन हो जाएगा। इनकेस अगर वो पहले में जीतता है तो उसको ऑब्वियसली बात है सेकेंड में थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट कर भाई फालतू के, तो अगर वो तो भगवान थोड़ी ना है कि तू तो सेकेंड में भी जीतेगा थर्ड में भी जीतेगा तो सब में जीतेगा। बहुत बढ़िया सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। हाँ तो सामने वाले ने भी कुछ सोच समझ के बनाए। हाँ कैसे कहते हैं ना कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का गेम है, कब कौन जीत जाएगा अनिश्चितताओं का खेल है। सर मैं बोलता हूँ कभी कभी तो हमारे साथ ऐसी चीजें हो जाती है कि विश्वास ही नहीं होता है मतलब ऐसा रहता है कि हम सेकेंड इनिंग तक 19.55 मतलब जो लास्ट की जो एक बॉल बचती है ना वहां तक हम आगे आगे रहते हैं, पर वो जो लास्ट बॉल पे या तो विकेट हो जाता है बाउंड्री लग जाती है तो सर पूरे ही लॉस हो जाता है एक बॉल पे मात्र। ओके सर बस एक बॉल, कहने का मतलब ये है कि आपको मोमेंट तक रुकना चाहिए, फुल कॉन्फिडेंस आपको रखना चाहिए कि आप जीत जाओगे क्योंकि लास्ट रखना चाहिए दोनों। हाँ सर लास्ट वहां से भी आप मतलब क्या बात है, बहुत बढ़िया सर ये आपसे बात करके बहुत मजा आ रहा है सर, बिल्कुल बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके। अच्छा लगता है कि तो हमारी ही एज का कोई इंसान बहुत अच्छे पायदान पे पहुंच चुका है और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से बदलाव लेकर आ रहा है,
एक साल पहले लाइफ बहुत अलग थी, एक साल के बाद दो तीन गिने चुने महीनों में बहुत कुछ चेंजेस आए हैं, ऑब्वियसली बहुत कुछ चेंजेस आए। मैं तो चाहूंगा सर सब लोगों की लाइफ चेंजेस हो। तो सर आप चाहते हैं कि लीग लेवल में सभी लोग जो कुछ नहीं करता उसकी, हाँ मैं तो चाहता हूँ सर। मेरे को तो क्योंकि थोड़ा सा अभी कभी कभी यूजर से मिलते नहीं है, मतलब अभी कुछ लोगों को क्योंकि अपना जो लीग इलेवन है इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है ना वो जीरो है, मतलब ये बिल्कुल भी एडवर्टाइज नहीं करते हैं। ओके तो सर मैं भी बोल रहा हूँ कि आप कोई टेलीग्राम से या टेलीग्राम वालों से कनेक्ट कर लो या फिर इंस्टा वालों से कनेक्ट कर लो, थोड़ा सा एडवर्टाइज करवाओगे तो उससे क्या थोड़े से यूजर्स बढ़ जाएंगे। क्योंकि सर पता नहीं है लोगों को कि इस नाम से फैंटेसी है, फैंटेसी बहुत सारी फैंटेसी है, लोग को सिर्फ ड्रीम इलेवन का पता है और एक वो माय इलेवन सर्कल का पता है क्योंकि वो सर टीवी पे एडवर्टाइज करते हैं। ओके इस चीज का मैंने बात भी करी थी सर से, हाँ मैंने बोला कि आप एडवर्टाइजमेंट कर लो। आपने बिल्कुल सही कहा, एडवर्टाइजमेंट बहुत जरूरी है, तो आप निश्चित रहे बिल्कुल जरूरी, बहुत जल्दी एडवर्टाइजमेंट भी होंगे, हर एक चीज होगी जिससे दिल्ली के लेवल के बारे में और सबसे खास हमारे राज्य के बारे में सबको पता चलेगा कि भाई दो महीने में, तीन महीने में, चार महीने में 1 करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं आसानी से सिर्फ घर पर रहते हुए। बिल्कुल, और मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपने फिलहाल सिर्फ अपने दोस्तों में, शायद अपने परिवार वालों में ये चीज रेफर किया है, और आप और जितने भी ज्यादा लोग हैं अपने सोशल मीडिया पे आप भी शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि राज नहीं, मैं रुपए कमा चुके हैं। हाँ सर ये तो मैंने बोला भी है। बढ़िया, जब आईपीएल स्टार्ट होगा ना, हाँ सर मेरी कम से कम 400-500 मेंबर की टीम रहेगी मेरी, वो सर मैं विड्रॉल की वजह से ऐड नहीं कर रहा हूँ कुछ। हाँ सर मैं विड्रॉल की वजह से ऐड नहीं कर रहा हूँ बस। ओके ओके, आपने जो चीज बताई है वो सर घर में कैसे बढ़िया क्या बात है। तो सर फाइनल एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ये जो लीग इलेवन है इसके अंदर आपको फाइनली आज 1 साल हो चुका है, 1 साल में आकर आपको अब कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब खुशी मान लो कि अब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो मोदी जी का कहना है ना आत्मनिर्भर बनो, बिल्कुल सर मेरा आत्मनिर्भर लीग इलेवन है। बहुत बढ़िया सर, ये लास्ट में जो आपने बात कही है ये दिल छूने वाली बात है, आत्मनिर्भर सभी को बनना है और खुद के पैरों पे हमेशा खुद ही को खड़ा होना है, और अगर वो काम घर पर रहते हुए लीग लेवल आपको करके दे रही है तो इससे बड़ा मौका आपको नहीं मिलने वाला। बिल्कुल नहीं, सर मैं सिर्फ आपसे अंततः यही बात करना चाहूंगा कि लीग इलेवन में आपको 1 साल हुआ है, आपने बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा अर्न किया है, आप सभी को ये रेफर करें, सभी को ऐसा बताते रहें और हमेशा लीग इलेवन से जुड़े रहें ताकि आपके जितने भी अचीवमेंट हैं आप लीग इलेवन से लें और अपनी लाइफ को ऐसे ही चेंज करते रहें, अपग्रेड करते रहें और खुशनुमा बनाते रहें और अपने सारे सपने पूरे करें। लीग इलेवन की पूरी टीम सिर्फ यही चाहती है और यही दुआ करती है आपके लिए। बहुत शुक्रिया राज जी, आपको आज इंटरव्यू में आया, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। बस ऐसे आप हमेशा खुश रहिएगा और अपने परिवार को साथ रखिएगा। ओके सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर।